enter Bollywood. Want to catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. थ्री इडियट्स की स्टारकास्ट अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंची रेडियो मिर्ची पर। यहां शर्मन जोशी और माधवन के साथ थे डायरेक्टर राजकुमार हिरानी भी। बट थ्री इडियट्स टीम वॉज माइनस आमिर, तो हमने भी पूछ ही लिया कि आमिर के अल्टरनेट रियलिटी गेम में हुए एक बड़े गूफ अप के बारे में। यही कि क्या ये सही है कि आमिर अपने वाराणसी ट्रिप में जिस होटल में ठहरे थे वहाँ एंट्री में आमिर ने डिस्क्लोज नहीं किया अपना नाम। देखिए वो इसको वो गेम खेल रहे हैं, कोई किसी को हार्म नहीं हो रहा है, वो एक गेम खेल रहे हैं। इस बहाने से वो एक तो घूम रहे हैं देश देश पे और वो जाके कुछ चीज़ों को हाईलाइट भी कर रहे हैं। जैसे कल वो एक जहाँ गए वो उन्होंने वीवर्स कम्युनिटी को हाईलाइट किया। तो आई थिंक इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, ना ही उसको रास्ते में रोड़े डालने की कोशिश करनी चाहिए। वो कोई हार्म नहीं कर रहे हैं किसी को। राजू कुछ भी कहें पर आमिर ने होटल में अपने नाम की एंट्री किए बिना स्टे करके सबकी सिक्योरिटी के लिए जरूर एक नॉर्म को इग्नोर तो किया ही है। पर आमिर जो भी कर रहे हैं वो फिल्म को इंटीरियर्स में अच्छी खासी पब्लिसिटी दिला रहे हैं। और इधर थ्री इडियट्स की स्टारकास्ट शर्मन और माधवन के साथ आकर राजकुमार हिरानी पूरी कर रहे हैं थर्ड इडियट की कमी।